महाराज जी, हमारे यहाँ कुला देवी की जहाँ तक उपासक हैं, पूरे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से यहाँ भक्त आते हैं, तो नवदुर्गा में विशेष मेला का आयोजन होता है, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? ये बड़ा ही प्रसिद्ध 11वीं शताब्दी का मंदिर महाराज कुला देवी का, यहाँ आला उदल कालीन, आला उदल के जो बड़े भैया छोटे भैया थे मलखान, उन्हीं की इष्ट देवी रही हैं और वो ही इंग्लास से लेके आए थे, यहाँ पर लेके चले हैं इंग्लास से। देवी जी ने पहले ही कह दिया था इनसे कि जहाँ भी मुझे स्थापित कर दोगे मैं दोबारा वहाँ से नहीं हटूँगी, और वो लेके चले। यहाँ पर एक पीपल का पुराना वृक्ष था, वहाँ पर आकर ले बिठाल दिया। जब दोबारा उठने के लिए कहा तो देवी जी ने कहा कि मैं पहले बोल चुकी थी कि जहाँ भी बिठाल दोगे वहाँ से नहीं जाऊँगी। तब से यहाँ 11वीं शताब्दी से माँ रेंकुला देवी की मंदिर बनाया गया, स्थापना कर दी गई, और दोनों पति पत्नी मलखान और उनकी पत्नी गजमोहन आज भी जो सामने बावड़ी है वहाँ से सुरंग गई है 6 किलोमीटर दूर, वहाँ से पति पत्नी आज भी सूक्ष्म शरीर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। कोई कितनी जल्दी आके सोचिए कि सुबह जल पुष्प आदि चढ़ा हुआ मिलता है यहाँ पर, और यहाँ बड़ा ही 11वीं शताब्दी का बड़ा ही प्राचीन मंदिर, जो भी भक्त जैसी श्रद्धा लेके आते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी की जाती है यहाँ पर आने पर। और यहाँ पर नौ दुर्गाओं के जो चित्र बनाए गए हैं, प्रथम शैलपुत्रीचा, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेत, कूष्मांडेत, चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी चा, सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टम, नवम सिद्धदात्री चा, नवदुर्गा प्रकृता, नौ देवियों के जो नौ चित्र बनाए गए हैं उनके आकर जो भी दर्शन करता है सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उन्हें किसी प्रकार की व्याधि नहीं सताती है, उनकी सभी मैया इच्छाएं पूरी करती है। और रेंकुला मैया पर आने पर सभी भक्तों की यहाँ पर हजारों पुत्र प्राप्त किए दिए लोगों ने, जिसका प्रमाण यहाँ पर चढ़े हुए हजारों पल्ले और घंटे हैं। माँ जैसी श्रद्धा लेकर जिसे पुत्र चाहिए वो पुत्र की श्रद्धा लेकर आता है, जिसे नौकरी चाहिए सभी मनोकामनाएं माँ पूरी करती है। हल्लर पंडा जी, रेंकुला देवी को रणकौशला नाम से जाना जाता है, रणकौशला देवी नाम कैसे पड़ा उनका? रणकौशला नाम से ही सिद्ध होता है, रण में कौशल का वरदान देने वाली, अर्थात यह मलखान के साथ युद्ध में हमेशा विजय का आशीर्वाद देती थी, रण में कौशल उन्हें विजय प्राप्त करवाती थी, तभी से माँ का नाम माँ रणकौशला देवी पड़ा। लेकिन बाद में धीरे धीरे अपभ्रंश होते होते माँ रेंकुला देवी नाम हो गया।